नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। भगत सिंह के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, भगत सिंह का पाकिस्तान में वह घर जहां भगत सिंह का जन्म हुआ था, अब स्मारक के लिए वो घर बिकने जा रहा है और वहां पर जालियांवाला बाग की मिट्टी लगेगी। शहीद आजम का जो पुस्तैनी घर है उस पर अभी दूसरे लोगों का कब्जा है, लेकिन वो कब्जा अपना छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। पाकिस्तान का फैसलाबाद, फैसलाबाद उस जिले का नाम है, पहले उसका नाम था लायलपुर। वहां पर शहीद आजम भगत सिंह का पुस्तैनी मकान है और स्मारक के लिए उसे बेचा जाएगा। पुस्तैनी गांव बंगा के नंबरदार और वकील जिनके पास इसका कब्जा है वो इसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस नंबरदार का कब्जा है वो जब बेचने के लिए राजी हो गए तो इसके बाद वहां भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन है पाकिस्तान में, वो इसे खरीदने के लिए आगे आया है। फाउंडेशन के चेयरमैन है एडवोकेट इम्तियाज रशीद कुरैशी। इम्तियाज रशीद कुरैशी ने बताया कि शहीद भगत सिंह का घर तीन भाग में अब बंट चुका है और एक भाग जहां भगत सिंह का जन्म हुआ था वह गांव बंगा के नंबरदार जमात अली के पास है और जमात अली से देने के लिए तैयार हो गए हैं। जमात अली ने अपना एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि यह उनके लिए फख्र की बात होगी कि वह शहीद आजम भगत सिंह की यादगार बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं। जमात अली और रशीद कुरैशी के बीच 2 फरवरी 2021 को, यह वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं उसे एक दिन पहले, इस मसले पर बैठक हुई। इसमें उस हिस्से के स्मारक को सौंपे जाने पर सहमति बन गई है। कुरैशी ने कहा कि इस स्मारक के लिए भारत स्थित, भारत में जो अमृतसर है जहां जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जालियांवाला बाग से मिट्टी लाई जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बंगा गांव में ही 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भारत आ गया और उनका मकान और जमीन जायदाद वगैरह सब पाकिस्तान में ही रह गया। बंटवारे के बाद भारत आने के बाद भगत सिंह का पूरा परिवार नवा शहर जिला का खटकड़ कला गांव में आकर के बस गया और वहां पाकिस्तान में एडवोकेट इम्तियाज अहमद कुरैशी हैं, वो लगातार भगत सिंह की यादों को सहेजने, जिंदा रखने, बनाए रखने और लोगों के बीच उनके संदेश को पहुंचाने के लिए काम करते रहे हैं। उन्हीं की पहल पर वो जगह जहां पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी उसका नाम पहले रखा गया था सादमान चौक, अब उसे भगत सिंह चौक के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। द फ्रीडम पर स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों से संबंधित सैकड़ों वीडियो हैं। अगर आपको इन विषयों में रुचि है तो आप देख सकते हैं। इस विषय में रुचि रखने वालों के पास उसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।